3, 2, 1! Hello guys, welcome back to my channel. In today's video, I'm gonna discuss about my first trimester of pregnancy, and I think there are so many women, those who already make this video on this topic, that what are their experience on to having the different type of things and situation in first trimester. So in today's video, I'm going to discuss about my first trimester. It's like a storytelling video, so I hope you're going to enjoy this. So yahan pe aaj sabse pehle I want to share my experience, that when I got to know about my pregnancy and what was my reaction on it, and मुझे रखना था या नहीं रखना था, और I was thinking to abort that or not. जो भी situation थी, I'm going to share everything with my YouTube family. I hope you're going to watch this whole video, and I am making sure that you're going to enjoy in this video. So don't forget to like, share and subscribe. I'm telling you, in the बहुत जल्दी video में मैं ये चीज़ बोल रही हूँ. So जो हमारे channel पर new है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप अपना टाइम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरी वीडियोज़ देखने में, तो डोंट फॉरगेट टू मेक इट अ लाइक, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन. एंड यस, माय फर्स्ट वीडियो आफ्टर प्रेगनेंसी, नॉट अ फर्स्ट वीडियो, जो बाकी वीडियोज़ थी वो मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पर ही बना दी थी, बट दिस इज़ आफ्टर माई डिलीवरी वीडियो. सो से हाई एवरी वन टू माई बेबी बॉय, ही इज़ सिटिंग ऑन माई लैप, सो रहा है, मतलब यहाँ पे बेड पे नहीं सो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, चलो आज इसके साथ ही वीडियो बना लेते हैं, इतना भी क्या डिस्टर्बेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आके आपको सारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, सारे टर्म्स प्रोज एंड कॉन्स सारे यहाँ पे बताने के बाद. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, सो द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट, व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दैट आई एम प्रेग्नेंट. So it was 17th of May 2022 when I got to know that I am pregnant. और ये हुआ कैसे, I missed my periods, but I have some like little bit of like थोड़ा सा मुझे था doubt that it may be like I am pregnant or maybe not, but I was not sure. So from 11th May to 16th of May 2022 I checked, like in 6 days में मैंने 3 बार प्रेगा न्यूज से चेक किया, बट इट वॉज़ लाइक नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. आई वॉज लाइक कोई हॉर्मोनल इशूज़ होंगे इस वजह से आई मिस्ड माई पीरियड, बट मुझे कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन अंदर से आ रहा था, नो इट्स पॉजिटिव, बट किसी रीजन की वजह से नेगेटिव आ रहा है, आई डोंट नो. सो मी एंड माई हस्बैंड, वी बोथ ऑफ अस वेंट टू अ हॉस्पिटल, गायनिक के पास गए, एंड देर वॉज अ वेरी फेमस गायनिक इन बीकानेर, सो वी वेंट देयर. वहाँ जाने के बाद ना 17th of May 2022 की बात है, सो वी वेंट देयर, एंड वहाँ जाने के बाद वी टुक द टेस्ट, एक अल्ट्रासाउंड कराया, एंड ऑल्सो यूरिन टेस्ट के थ्रू भी जो पता चलता है, उनके पास एक अलग किट होती है प्रेगनेंट न्यूज़ की टाइप की होती है, बट देर इज़ समथिंग डिफरेंट. सो इट वॉज पॉजिटिव, इट वॉज पॉजिटिव, एंड आई डोंट हैव एनी आइडिया दैट हाउ आई नीड टू रिएक्ट एंड वॉट वॉज द रिएक्शन ऑफ माइंड, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यू, आई विल कमिंग ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो. बट या आई गॉट टू नो अबाउट ऑन 17th of May दैट आई एम प्रेगनेंट. एंड द सेकेंड थिंग, वॉट वॉज माई एंड माई हजबेंड्स रिएक्शन, वी बोथ वर लाइक नम, वी वर नॉट लाइक सेइंग अ सिंगल वर्ड टू ईच अदर, हम एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे थे, हाँ ना, हैप्पी, सैड मूड, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया. इट वॉज़ लाइक सो मच लाइक बहुत हैपनिंग था, एंड इट वॉज़ लाइक वेरी सडन था वो माई लाइफ में, बिकॉज वी गॉट मैरिड लास्ट मंथ, एंड अभी हमको पता चल रहा है दैट वी आर प्रेगनेंट, एंड या सो दिमाग में पहला थॉट आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट आई डोंट वॉन्ट बेबी राइट नाउ, सो लेट जस्ट गिव इट अ नेक्स्ट ट्राई, एंड अभी रहने देते. बट कहीं ना कहीं मेरे मन में था, नहीं यार, इट वॉज लाइक आर फर्स्ट चाइल्ड एंड आई कॉन्ट डू दिस, इट्स नॉट लीगल, वी ऑल नो दैट इट्स नॉट लीगल, एंड ये सही भी नहीं है. इफ़ यू आर डूइंग समथिंग तो ठीक है ना, गो विद द फ्लो, वाई यू आर जस्ट लाइक, आप हर चीज़ को प्लान नहीं कर सकते, सब कुछ चीज़ें अनप्लान्ड हो जाती हैं, तो दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ बिग इशू. सो आई वॉज रियली वेरी हैप्पी. हमने जब अपनी रिपोर्ट्स देखी गायनिक के पास, हम रिपोर्ट्स लिख के गए, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स लेके जाने के बाद जब अंदर गए डॉक्टर के पास, शी सेड यू आर प्रेग्नेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन, शी वॉज कॉन्ग्रेचुलेटिंग अस, एंड वी वर लाइक
रखना है नहीं रखना है. वी वर सो कन्फ्यूज्ड एंड वी डोंट नो हाउ टू रिएक्ट फ्रंट ऑफ द डॉक्टर एंड इवन वी आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर. सो आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट वॉज हैपनिंग बट येस आई वॉज हैप्पी फ्रॉम इनसाइड एंड मैं उसको शो नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को उस टाइम. आई डोंट नो वाई बिकॉज या इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस. सो उसके बाद शी इज़ टोल्ड अस दैट येस द रिपोर्ट्स आर पॉजिटिव बट अल्ट्रासाउंड के अंदर इतनी जल्दी नहीं दिखता बिकॉज सिर्फ 10 days हुए थे ऑलमोस्ट कंसीव हुए. सो शी सेड कि अभी आपको सिर्फ ये रिपोर्ट्स जो करवाई हैं आप लोगों ने यूरिन टेस्ट करवाया उसमें पॉजिटिव आया बट देर इज़ नथिंग इम्प्लीमेंटेशन इन द अल्ट्रासाउंड जो सोनोग्राफी होती है उसके अंदर कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही थी. सो शी सेड कि आपको वेट करना चाहिए फॉर 15 days मोर. वी विल डू फॉर सम अनदर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट. उसके बाद इफ़ द हार्ट बीट बिकम्स लाइक हार्ट बीट बनने लगती है बेबी की देन ओनली यू कैन थिंक दैट येस इट इज़ पॉजिटिव एंड द बेबी इज़ सेफ यू कैन कंसीव नाउ एंड गो फॉर फर्दर ऑन द 9 months ऑल. ओके सो एंड शी फर्स्ट द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स टू इन माई माइंड दैट आई कैन गो फॉर अ वेकेशन विद दिस. शी सेड ऑफकोर्स यू कैन गो फॉर एनी वेकेशन वट एवर यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू दैट इज नथिंग सो हार्मफुल इन इट बट वेट फॉर 1st June लाइक 17th of May को वी गॉट टू नो दैट वी आर प्रेगनेंट एंड ऑन शी सेड जस्ट लाइक वेट फॉर 15 to 20 days एंड कम अगेन आफ्टर 15 or 20 days एंड गेट एन अनदर अल्ट्रासाउंड एंड इफ द रिपोर्ट्स आर पॉजिटिव इन द अल्ट्रासाउंड एज वेल दैन यू कैन गो वेर एवर यू वॉन्ट. So we were like, okay, so just wait for 15 to 20 days. So we went again to the doctor on 1st of June of 2022. That was our second ultrasound which we happened and it was like heartbeat bhi baby ki thi and it was like, हाँ क्या आप कंटिन्यू कर सकते हो. देर इज़ नथिंग हार्म इन योर वूम सो यू आर ओके विद एवरीथिंग. योर बॉडी इज़ प्रिपेयर्ड फॉर टू कंसीव अ बेबी एंड you can go further on with your 9 all months. So I was very happy and at that moment on the 1st of June 2022 me and my husband decided that yes we are keeping this and tab tak we didn't tell to anyone in the family as well as my mother, my in-laws, my friends. I didn't tell to anyone and he also didn't tell to anyone because we were not sure that what happens, what if the heartbeat not going to be continue on the 1st of June to hame wo abort karna hi padta because the doctor said if the baby is not okay so aapko abort karana hi padega. It's just depending on your body that how your body is reacting to your pregnancy. That's it. Okay, the first ultrasound has been on had on 17th of May 22 and the second happened on 1st June 2022 and both ultrasound was very nice. The first was like negative and the second was positive with the heartbeat. So we went for our vacation on 5th of June and we come back at home at 15th of June. Like 10 days ka pura vacation tha. We enjoyed a lot. We went to so many places. Like I traveled a lot. Okay. The most thing the people asked me that what was the mood swings you happened in your first trimester. Honestly, there are no mood swings was happening with me. I don't know. Everybody's body is different. I am not like saying ke hote hi nahi hai. But mere saath nahi hua. So I am sharing my experience with you all that there is no mood swings. There is no vomiting at all. But yeah, हम लोग थोड़ा माउंटेन एरियाज में जब गए थे बाई कार हम घूमने गए थे तो वेन एवर वी लाइक वॉकिंग इन द कार और वहाँ पे हम कार में जब जा रहे हैं वी आर गोइंग इन द कार और जब वो टर्न लेती थी आई फील सम लाइक टू वॉमिट आउट बट वो नॉर्मली होता है माउंटेन्स में किसी को भी जाने के बाद. एंड ऑनेस्टली नॉर्मली मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर वॉज वेरी स्मूथ. इट वॉज लाइक वेरी नॉर्मल या बस देर आर सम चेंजेस इन माई बॉडी विच इज़ नॉट सो डिजास्टर और बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं थे. दे वर लाइक वेरी स्मूथ इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड ऑल. देर वर नो मूड स्विंग्स नो स्मेल. गंदी स्मेल आती है कोई कहता है स्मेल आती है खाने में से एक प्याज वगैरह खाते हैं तो वो स्मेल आती है बट ऑनेस्टली देर इज सम स्मेल इशूज विद मी बिकॉज मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में चपाती तो बहुत कम खाई है. इट्स लाइक मैं चपाती खाती थी पहले मैं राइस बिल्कुल नहीं खाती थी बिफोर माई प्रेगनेंसी एंड आफ्टर माई प्रेगनेंसी व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेगनेंट आई इंस्टेंटली हैविंग दैट इंट्यूशन दैट आई वॉन्ट ओनली राइस आई डोंट वॉन्ट चपाती एट ऑल. मैंने चपाती बिल्कुल छोड़ी हुई थी. इट्स लाइक 10 days में एक बार खा ली है 20 days में एक बार खा ली है बट I always be on, I survive on the rice. मुझे बिरयानी चाहिए वेज बिरयानी. आई एम वेजिटेरियन
मुझे बिरयानी चाहिए, मुझे राजमा चावल, दाल चावल, छोले चावल, इस टाइप की चीज़ें की क्रेविंग हो रही थी. एंड समवन आस्क्ड मी दैट व्हाट यू आर प्रेफरिंग टू हैव योर स्टमक, लाइक यू आर क्रेविंग फॉर मीठा और यू क्रेविंग फॉर स्पाइसी फूड, तीखा, चटपटा, खट्टा, मीठा, एवरीथिंग वॉज मिक्सेबल. सो आई टोल्ड देम देर इज़ नथिंग लाइक दैट, मुझे सब कुछ चाहिए. तो तीखा अगर मैंने खाया है आई फील सो स्पाइसी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आई टुक फॉर सम स्वीट्स. अगर मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया है तो फिर आई गो फॉर द सम स्पाइसी फूड. तो वो मिक्स था, देर इज़ नथिंग लाइक दैट कि मैं एक चीज़ पे ही डिपेंडेड ही बस ये है. बट यस, आई स्विच ऑफ टू माय चपाती मोड. मैंने चपातीज़ बहुत कम खाई हैं पूरी माय होल 3 trimester, होल माय 9 months ऑफ प्रेगनेंसी. एंड आई बेस्ड ऑन माई सेल्फ ऑन राइस. Yeah, I survive on rice. And yes, mood swings कुछ नहीं थे. I got to know, जब भी मुझे पता चला उसके बाद भी मैंने travel किया बहुत safely. Yeah, because the first trimester is very crucial. When you are traveling, it's important to take care of yourself. What you are eating, it's the important thing. What you are eating, हम eating के बारे में या मैंने क्या अपना पूरा diet plan रखा throughout my pregnancy, we're going to discuss about in the next video. But in today's video, that's all it's about. And I hope you like this video. And please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon ताकि कभी भी मैं कोई new video post करूँ आपको जल्दी से उसका notification मिल जाए, आप जल्दी से videos को देखो. और please, please subscribers हमारे काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, टच वुड. सो आई वॉन्ट कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें अपने नोन वंस के साथ. ऑल्सो लाइक करो, शेयर करो, खुश रहो और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करो. बाय बाय एवरीवन.